नमस्कार, वोडाफोन एयरलाइंस में आपका स्वागत है। ये प्लेन तो काफी सुना सुना है, वोडाफोन एयरलाइंस का नाम पहली बार सुना है। हम अपने स्पॉन्सर के हिसाब से एयरलाइन का नाम बदलते रहते हैं। यात्री चुपचाप कोई ठीक ठाक से कुर्सी देखकर उस पर बैठ जाएं। आपकी यात्रा के दौरान हम आपको बिल्कुल घर जैसे फीलिंग देने की कोशिश करेंगे। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए, इतना ओपन इनविटेशन मत दीजिए। फिलहाल तो भूख लगी है, खाना पेश कीजिए। सॉरी सर, वो तो प्लेन टेक ऑफ के बाद ही मिल सकता है। तो कोई बात नहीं, फिर खाना रखिए संभाल के, तब तक थम्स अप ही पिला दीजिए गैस निकाल के। गैस निकाल के क्यों? ये तो मेरी होशियारी है, मुझे बचपन से ही गैस की बीमारी है। सॉरी सर, वी डोंट हैव थम्स अप, वुड यू लाइक टू हैव सम वोडका? हम तो खा ही लेंगे जो भी दोगी निकाल के। फिलहाल वोडका ही दे दो, थोड़ी हल्दी डाल के। इसे पीकर इस पे एक नया मूड आएगा और इसका ये इरिटेटिंग कैरेक्टर छूट जाएगा। एक्सक्यूज मी स्वीटहार्ट, हम लोग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं? सर, अभी तो हम जमीन पर ही हैं। तो मुझे क्यों लग रहा है हम लोग हवा में हैं? मेरी बात सुनो, तुम तो कह रही थी खाना टेक ऑफ के बाद मिलेगा, वो तुम्हारी बुआ के लड़के वो क्यों खा रहे? सर, वो एक बिजनेस क्लास है, उसमें कुछ ज्यादा ही फैसिलिटीज होती है। अच्छा, वो बिजनेस क्लास है तो हम लोग क्या डाके मारते हैं? हमारा कोई बिजनेस नहीं है, है? सर, उस क्लास का ना फेयर थोड़ा ज्यादा होता है ना। क्यों ज्यादा होता है? उधर बॉडी मसाज फ्री में देते हो क्या? बैग में वॉमिट कीजिए सर, डोंट वॉमिट लाइक दिस सर, प्लीज। बैग में क्यों करूं है? कल को पता चले पार्सल बना के भेज दे तू है। मैं तो बाथरूम में जाके करूंगा, बदतमीज बड़ी आई। अरे, मेरे बाप ने दहेज में इतना अच्छा जहाज दिया था कि मैं उसमें सुखी रहूंगी, लेकिन जब से मेरा पति इस प्लेन का पायलट बना है ना, मेरी जिंदगी हराम हो गई है। अब मुझे थोड़ी भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ। प्यास भी लगी है, थोड़ा पानी मंगवा लेती हूँ। टिंग टोंग। बदतमीज औरत, क्या इधर बैठी बैठी खाना खा रही, कोई शर्म नहीं आती तुझे? अब मैं जाके पायलट बनू, लोगों को रोटियां बना के पैसेंजर को सर्व करूं? बदतमीज औरत, इतनी देर से पैसेंजर घंटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता तुम्हें? अरे, पैसेंजर घंटी नहीं बजा रहा है, घंटी मैं बजा रही थी। अच्छा, तो ये उठ के बाहर कौन गया अभी? अरे, वो पैसेंजर था, बाथरूम गया होगा। बाथरूम गया तो उसे रास्ता तो बताना चाहिए था, कमबख्त का मारा मेन दरवाजा खोल के बाहर निकल गया वो। मेरी सारी रुमाली रोटियां उड़ गई। एक दिन मैं फ्लाइट में ना रहूं, फ्लाइट ठीक ढंग से उड़ नहीं सकती। अरे जा, तुझे तो ठीक से दिखाई नहीं देता, बड़ा आया जहाज है यार। ठीक से दिखाई नहीं देता? तो लैंडिंग मैंने कभी गलत किया आज तक? अगर मैं लैंडिंग गियर ना डालूं, तेरा बाप भी लैंडिंग नहीं करा सकता। खबरदार, मेरे बाप के बारे में कुछ कहा तो जहाज, जहाज के बर्तन भी मेरे बाप ने दहेज में दिए। कौन से बर्तन की बात कर रही है? अभी भी बर्तन में से चपाती उठाओ, नीचे लिखा होता गुरुद्वारा कल की तरसात, संगत गली नंबर 7 मेन रोड। इतना कंजूस बाप है, इसका छोटा सा 1 BHK जहाज दे दिया मुझे। समझ में नहीं आता, कॉकपिट में खुद बैठूं कि तंदूर लगाऊं? जाहिल औरत, एक तो जहाज में इतनी गर्मी है, 1.5 घंटे से मैं पेड़ा बना रहा हूं, पेड़ बन नहीं रहा। इसके बाप को मैंने कहा जहाज में AC लगवा दो, बदतमीज का बच्चा कहता गीली चादर करके जहाज में डाल दो, ठंडा रहेगा। थप्पड़ मारूं तेरे बाप के। जाके बर्तन मांज, तो हवा में घुमाता रहूंगा। चला, बढ़िया ही। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जहाज में टोटल 6 द्वार है, खुलता है कि वो भी बाहर से। हवा का दबाव कम होने पे ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, सिर्फ एक ही मेरे लिए, क्योंकि मैं बचूंगा तो आपको बचाऊंगा ना। तू टेंशन मत ले डार्लिंग, हम दोनों शेयर कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, यात्रीगण कृपया अपना अपना मोबाइल फोन ऑन रखें, क्योंकि मेरी वायरलेस खराब है, कभी भी इमरजेंसी में बात करनी पड़ सकती है। इधर आके बैठिए। आ कहाँ से रही हैं आप? मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। वॉशरूम से? जी। मैडम, बता के तो जाना चाहिए था, जयपुर के ऊपर सुर ने खामखा पिंक सिटी का रंग चेंज कर दिया आपने। आप बैठिए, आप सीट बेल्ट लगाइए। आप इसमें तो सीट बेल्ट नहीं है। सीट बेल्ट नहीं है? नहीं। एक सेकंड जरा।
ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮੈਡਮ। सीट बेल्ट नहीं ना तो हम पैसेंजर को ऐसे ही चिपका देते हैं। वो तो आप लेडीज ने मैंने थोड़ा आटा लगाया ना तो जेंट्स के नीचे ऐसा पेड़ा रखता हूँ ना मैं, उठ के जाते हैं लच्छेदार पराठा तैयार होता है। कभी कभी तो लोगों का इतना पेड़ खराब होता है कि पेड़ा जला के निकल जाते हैं। आपके लिए लाऊं मैडम लच्छेदार पराठा? नो छी, मैं सब नहीं खा सकती। चलो ठीक है फिर इडली खा लो, स्टीम्ड इडली, ओनली 170 रुपीज। इतनी महंगी? चलो समोसा खा लो 2 रुपए का। एक स्टीम इडली 170 की और समोसा सिर्फ 2 रुपए का? मैडम समोसा 3 महीने पहले जब बेचना शुरू किया था ये भी 170 का ही था, आज कम होते थे 2 रुपए का हो गया। तुम्हारे प्लेन में इतना सड़ा हुआ सामान मिलता है? नहीं मैडम सड़ा नहीं, आप बारी खोल के मुंह बाहर करें, फ्रेश हवा भी आती, खाए आप, बारिश हो रही इंजॉय करें। बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है और तुम्हारा प्लेन अभी भी इतना स्मूथ चल रहा है। मैडम हमारा क्या कसूर है, तो सरकार का भला हो जिन्होंने सड़कें अच्छी बना दी, गड्ढा है कोई नहीं। हम क्या बाय रोड जा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बीच बीच में इंजन खराब हो जाए टेक ऑफ भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी हम उड़ रहे हैं क्या? हमारा प्लेन उड़ रहा है? ये तो मैडम ये दोनों भाई साहब बताएंगे कि हम लोग उड़ रहे हैं कि रह रहे हैं। ओके